डार्लिंग हैप्पी वैलेंटाइन डे। उस दिन फूफा मर गया था, हम सुहागरात नहीं मना पाए थे, तो आज वैलेंटाइन डे के पवित्र दिन पर हम दोनों सुहागरात मना लेते हैं। तुमसे कुछ नहीं होगा, बस बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। मुझे अपने बीएफ की याद आ रही है, वैलेंटाइन डे पर बिना सुहागरात के ही सुहागरात वाली फीलिंग आ जाती थी उसके साथ। क्या बक रही है, सच में? और एक तू है, सुहागरात भी टाइम पर नहीं मना पाया, कमीना फूफा मर गया आके। चरित्रहीन नारी, दूर हो जा मेरी नजरों से। अरे सच मान गए क्या तुम? देखी मेरी एक्टिंग, मैं तो पहले से ही एक्टिंग करती थी टिकटॉक वीडियो बना बना के। मुझे पता था तू मजाक कर रही है, और अब तैयार हो जा सुहागरात मनाने के लिए। आज देर मत कर, बड़ी मुश्किल से मम्मी पापा को ओयो बुक करवा के भेजा है वहाँ पे। अरे पागल आदमी, ओयो में हम चलते, तूने अपने बूढ़े माँ बाप को वहाँ क्यों भेज दिया? अरे जानू यार, 200 वाला रूम दिलाया है, उसमें बेड भी नहीं है, जमीन पे सो रहे होंगे वो। अच्छा फिर ठीक किया तूने। चलो अब रंगरलियां मनाते हैं। पहले एक काम करो, बाहर वाले मेन गेट पे ताला लगा के आओ, वरना आज कोई फिर से अटपकेगा। अरे बेबी उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब कोई नहीं आएगा। जैसी आपकी मर्जी। तो पहले तुम्हारी आँखों की तारीफ करूँ? तारीफ करने में टाइम वेस्ट मत करो, जो काम जरूरी है वो करो। हाँ ये तूने पॉइंट की बात करी, करता हूँ शुरू। ये तुम्हारे फोन को भी अभी ही बजना था क्या? एक मिनट बेबी। हेलो, हाँ टेंट वाले भाई साहब। क्या तीन गद्दे गायब हैं? अच्छा अच्छा, पेमेंट सुबह करूंगा, आप चिंता मत करिए। वो टेंट वाला था, तीन गद्दे बारात में से चुरा लिए किसी ने। चल अब आ जा। क्या ड्रामा है ये, अब ये टेंट वाला मर रहा है आज। हेलो, क्या हलवाई का भगोना नहीं मिल रहा? सुबह ढूंढ कर पहुंचा दूंगा यार, तू टेंशन मत ले। जब भी मेरा मूड बनता है तभी तुम्हारा फोन बजने लगता है। बेबी तुम नाराज मत हो, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हेलो, हाँ क्या है? लगता है बवासीर के कीटाणु जोर मार रहे हैं तेरे। अरे तीन चम्मच गायब है तो मैं क्या करूं? मैं क्या चम्मच हकता हूं जो तुझे पिछवाड़े से निकाल के दे दूं? कल फाइनल करता हूं तेरा, अब फोन मत करिए वरना तेरे टेंट में आग लगा दूंगा वहीं आके। आज ससुरा ये टेंट वाला फोन पहले पड़ा है। सॉरी बेबी, अब कोई नहीं करेगा डिस्टर्ब, मैंने उसे डांट दिया है। लगता है तुम्हारी किस्मत में मेरे साथ सुहागरात मनाना लिखा ही नहीं है, मुझे किसी और के साथ मनानी पड़ेगी। क्या मतलब किसी और का? किसी और मतलब किसी और दिन मनानी पड़ेगी। आज ये फोन वाले मर रहे हैं, उस दिन तेरा फूफा जोर मार रहा था। अरे आज वैलेंटाइन डे है, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। मेरे पर एक बार एतबार तो कर, भरोसा तो कर, अब कोई उंगली नहीं करेगा। इसकी माँ की, फोन काट। मैं इसका कलेश मिटा दूंगा। ले अब देखता हूँ कौन उंगली करेगा। ये तुमने सही नहीं किया जो नया फोन तोड़ दिया। और हाँ, दोबारा मेरे पे हाथ उठाया तो तुझे भूत बना के मारूंगा, अभी तो तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ मैं। चलो अब जल्दी जल्दी कर लो जो भी करना है, फिर मैं सोऊं। हाँ मैं तुझे पुच्ची करता हूँ। ये लो, वैलेंटाइन डे के दिन भी लोगों को चैन नहीं है। ये नहीं कि जाकर किसी चेली चपाटी के साथ मुँह काला करें। पता नहीं कौन है, दरवाजा बजाया जा रहा है, बजाया जा रहा है। जाओ भगाओ उस बेमुरब्बत को। फोन डिस्टर्ब कर रहा था तो मैंने फोन तोड़ दिया, अब ये गेट डिस्टर्ब कर रहा है, अब मैं गेट भी तोड़ दूंगा। हाँ तोड़ दे बेवकूफ, पूरे मोहल्ले को सुहागरात दिखा दे, फिर कल यही न्यूज आएगी, लपट्टी का एमएमएस हुआ वायरल। नहीं नहीं रुको, मैं जाके देखता हूँ। हाँ बेगंजे बोल, तुझे क्या दिक्कत है? वो मेरा बकरा भाग गया है। तो इसमें मैं क्या करूं? आज वैलेंटाइन डे है, जरूर किसी बकरी को लेके भाग गया होगा। अरे नाना, मैंने तो उसकी नसबंदी करा रखी है, बकरी उसको देखते ही मुंह फेर लेती है। अबे छिले हुए मोमोज, निकल यहाँ से, मेरी सुहागरात में क्यों अड़ंगा डाल रहा है तू? वो भागकर इधर ही आया था। जब गेट बंद है तो अंदर क्यों घुसा जा रहा है गंजे? अंदर कोई नहीं है। फिर भी चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। ए रुको, अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? तेरे बकरे का मेरी सुहागरात से क्या लेना देना, तू निकल यहाँ से। एक बार बेड के नीचे चेक कर लूं। बकरा है वो, चूहा नहीं है। तू मेरी सुहागरात पूरी होने दे। अभी खत्म ना हुई, पौने दो बजने वाले हैं। अभी शुरू ही ना हुई गंजेड़ी, और तू मेरी सुहागरात में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है?
बड़ों का सम्मान नहीं आता क्या? बात बात पर मुझे गंजा बोल रहा है। तो और तुझे क्या बोलूं? तू गंजा नहीं है क्या? चल अब निकल यहाँ से, मुझे सुहागरात मनाने दे। गांधी जी भी तो गंजे थे, गंजा होना पाप है क्या? तो गांधी जी ने तेरी तरह जाकर किसी की सुहागरात में टांग नहीं अड़ाई थी? हमारी क्या है, हम तो चले जाएंगे। तू यहाँ से जा, नहीं तो तेरे गंजे सर पे हथौड़ा मार दूंगा मैं। ये तेरी बीबी है? नहीं, ये मेरा आदमी है, भाग यहाँ से। आजा, करते हैं शुभारंभ। तेरा तो आरंभ ही नहीं हो रहा है, वो कमीना बहुत कुछ देख गया मेरा। क्या बात कर रही है, मैं आंखें फोड़ दूंगा उसकी। अब आंख फोड़ने से क्या फायदा, अंदर आने से तो रोक नहीं पाए उसे। बेबी तू ये बता, सब कुछ खोल के क्यों बैठी थी? मैंने सोचा देर हो रही है, जब तक आओगी तब तक मैं सब कुछ खोल लेती हूँ। चल फिर शुरू करते हैं। जी करता है तुझे देखता रहूं, जी भर के मैं देखूं। जब से आई हूँ तूने देखने के सिवा किया क्या है? शादी से पहले भी तू देखने आया था, तेरी माँ भी दो बार देख कर गई। अब कौन होगा? तू तो देखता रहे, बाकी काम मत कर, अब जा गेट खोल कर देख। अब क्या है बे गंजे साले, अपनी नजरे सुधार ले तू। वो मेरा बकरा दिखाई नहीं दिया। अबे यार तू अभी देख कर तो गया था, फिर से आ गया? क्या पता दोबारा आ गया हो। अबे गेट तो बंद था ना। क्या पता खुला रह गया हो। अबे मैं सुहागरात मनाने के चक्कर में हूँ, और सुहागरात गेट बंद करके ही मनाते हैं, ऐसे कैसे खुला रह जाएगा गेट? अरे बेबी कौन है वहाँ पर? वही गंजा है, दोबारा बिना काम के डिस्टर्ब करने आ गया। मैं बताती हूँ इसको, ये लो इसके गंजे सर पर जोर से मारो। अब पता चलेगा बेटा तुझे। आई 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 रे, मार दिया रे, टकला फोड़ दिया मेरा रे। भाग यहाँ से। जरूर कुछ तो बात में झंगोल है। एक बार और मारो। बजरंग दल वालों को फोन करता हूँ, यो तो कुवारी लड़की है, इसको अपनी बीबी बोलकर सुहागरात मनाने की चेष्टा कर रहा है ये। आ जाओ जानू, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। हाँ सोचते तो हर बार ऐसा ही हो, लेकिन विखंडा डल जाती है ना। छोड़ो उन बातों को, आज दो आत्माओं का मिलन होकर ही रहेगा। आज रात सुहागरात नहीं मना पाया तो आगे से मेरे साथ सुहागरात मनाने का ख्याल दिमाग से निकाल देना। आ जाओ तो जल्दी कर लेते हैं। अब कौन मर गया? देखता हूँ। पता नहीं कैसा ढीला आदमी पल्ले पड़ गया मेरे, कोई बॉयफ्रेंड होता तो अब तक सुहागरात मनाकर निकल भी गया होता। हाँ भाई क्या मचोड़ चल रही है यहाँ पर, हम लोग बजरंग दल से हैं। साहब कुछ भी तो नहीं, मैं अपनी बीबी के साथ हूँ। अंदर चल के देखते हैं बीबी के साथ है या कुछ और झोल झाल है। ये लोग कौन है बीबी? ये बजरंग दल वाले हैं, तुम डरो मत। तो इनको अंदर क्यों ले आए तुम? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बजरंग दल वाले शादीशुदा जोड़े को कुछ नहीं करते, वो केवल प्रेमी और प्रेमिका को पकड़ते हैं। हाँ भाई तो ये है तेरी बीबी? जी हाँ साहब बिल्कुल, कोई शक है क्या? आई बप्पा रे, आई 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 आई, क्या हुआ साहब? भाई हमारा पागल बनाता है ना, तो इसके गले में सिंदूर है और ना मांग में मंगलसूत्र। साहब सिंदूर मांग में होता है और मंगलसूत्र गले में। हाँ हाँ भाई समझ ले, और हम कैसे मान ले तेरी बीबी है? अरे नहीं साहब, ये मेरी ओरिजिनल बीबी है। बचने के लिए नाटक कर रहा है। और ले ले मजा, पहले बोला था सिंदूर भर लेती हूँ, पर नहीं, तुम्हें तो सुहागरात मनाने की जल्दी हो रही थी। साहब सिंदूर लगाने को मैंने ही मना किया था। दुनिया का ऐसा कौन सा पति है जो अपनी बीबी को मांग में सिंदूर भरने से मना करेगा? अरे मैं तो हूँ ना, तो सिंदूर की क्या जरूरत है, पति तो खुद औरत की मांग का सिंदूर होता है। और मंगलसूत्र कहाँ गया इसका? इसके गले का मंगलसूत्र तो निकल गया, लेकिन मेरे गले में आज फंदा पड़ गया। ये जरूर इसका बॉयफ्रेंड है, फंस गया तो अपने आप को उसका पति बता रहा है। चलो भाई शुरू हो जाओ। अरे 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 मर गया, मर गया। क्या जमाना आ गया, आदमी अपनी बीबी के साथ सुहागरात भी नहीं मना सकता।